लाया गया कचरा है और ये कचरा प्लास्टिक का है। आप रोज जो मार्केट जाते हो और वहाँ से सब्जी वाले से जस्ट आप क्या करते हैं कि वो प्लास्टिक को प्लास्टिक में वो सब्जियाँ लेकर घर पर आ जाते हैं और वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, उसके बाद उसको आप रीयूज नहीं करते, उसे आप कचड़े में सीधे फेंक देते हो। और आप देखिए ये कितना इकट्ठा होते होते ये कितना बड़ा हो गया है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक को किस तरह से मैनेज करें, उसके वेस्ट को किस तरह से मैनेज करें। हमें कम से कम सिंगल प्लास्टिक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो किसी भी तरीके से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसे स्मॉल पार्टिकल्स में या उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो तोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए ये जल्दी इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेड नहीं होता है और ये लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। अगर ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर ये सॉयल में चला जाए तो सॉयल में क्या होता है कि ये लेयर फॉर्म कर देता है प्लास्टिक का, जिससे क्या है कि पानी जो है वो अंदर नहीं जा पाती हैं, जिससे क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपको पानी की भी किल्लत हो सकती है ये प्लास्टिक से। साथ ही साथ ये क्या करता है कि सॉयल पोल्यूशन भी करता है। ये क्या करता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके जड़ों तक जो पानी पहुंचना है उनको पहुंचने नहीं देती हैं, ठीक है। तो हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। हम जब भी मार्केट में जाएँ तो थैला लेकर जाएँ, कपड़े से बना थैला लेकर जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। हम लोग भी यही, मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी कहीं ना कहीं यही चीज़ करता हूँ और मैं आज अपने आप से ही बोल रहा हूँ कि हमें ये प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्लास्टिक वेस्ट। अब इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम प्लास्टिक की क्या क्या विकल्प तलाश सकते हैं और पहले क्या क्या विकल्प हमारे यहाँ अवेलेबल था, कितने तरीके के प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो और कहाँ कहाँ इनका हम लोग सिंगल यूज करते हैं और उसको सीधे हम लोग क्या करते हैं एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। आजकल देखते होंगे आप कि गाय हैं जो मवेशियाँ हैं वो रोड पर चलती रहती हैं और वो जो वेस्ट है जो आप घर से फेंकते हो, जो अनाज फेंकते हो उसको प्लास्टिक में बांध करके फेंकते हो और वो क्या कहते हैं उनको खाने के लिए वो जाती हैं और वो प्लास्टिक को इंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं और उनसे क्या है कि बहुत ज़्यादा वो उनको प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ उनसे ज़्यादा फिर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो प्लास्टिक खा रही हैं और खाने के और वो फिर जो उनका दूध है वो आप पी रहे हो, तो वो प्लास्टिक से बना हुआ ही कहीं ना कहीं वो दूध है, वो भी कॉन्टामिनेटेड है। अगर ये साइंटिफिक रिसर्च किया जाए तो वो जो मिल्क है उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलेंगे कि जो कि अनवांटेड है, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये प्लास्टिक का यूज करके अपने आप का ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर कि ये जो है हम देख रहे हैं कि ये यूएन एनवायरनमेंट है ना, यूएन ईपी जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलता है उनका ही ये रिसर्च पेपर है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये रिलेवेंट है। तो आप ये देखें कि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग किसको बोलेंगे, पहले जानते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लास्टिक एक लाइट वेट है ना, हाइजेनिक रेजिटेंट मटेरियल है, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं कैन बी मोल्डेड इन ए वैरायटी ऑफ वे एंड यूटिलाइज इन ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे हम लोग पैकेजिंग वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, बट इंस्टेड ये फोटो डिग्रेड होते हैं। मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ, फोटो डिग्रेड का मतलब कि जैसे कि यूवी रेज है, ठीक है, यूवी रेज उनके एक्शन से क्या है ये स्मॉल पार्टिकल्स में, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में ये टूट जाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है इनका एक पैरामीटर रखा गया है, अगर 5 mm की थिकनेस से कम है प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की साइज, तो उसे कि हम लोग क्या कहेंगे, वो माइक्रो प्लास्टिक्स कहेंगे। माइक्रो प्लास्टिक्स तो एक तो होते हैं, दो तरह के माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, एक तो है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स और सेकेंड वन इज द सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। जो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स है उनको मैन्युफैक्चर ही किया जाता है माइक्रो में और इन्हीं को माइक्रो बीट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा माइक्रो बीट्स यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द माइक्रो बीट्स। माइक्रो बीट्स से हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये इतनी छोटी छोटी होती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनको निगल लेती हैं और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उनके हेल्थ हैजार्डस है और वो मर भी जाती हैं इसके कारण। हम लोग जैसे कि जो नेट यूज करते हैं, जो मछुआरों के द्वारा, फिशरमैन के द्वारा जो ओशन में नेट यूज किया जा रहा है वो प्लास्टिक का है, और कभी कभी वो नेट क्या है कि
पानी के वजह से, पानी के बहाव के वजह से वो खींचा हुआ चला जाता है समंदर में, और वहाँ पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घोस्ट नेस्ट नेस्ट बोलते हैं, घोस्ट नेट। घोस्ट नेट इज़ नथिंग बट जो फार्मर्स, जो फिशरमैन के द्वारा यूज किया गया ऐसा नेट, जो प्लास्टिक का नेट होता है वो खो जाता है, उसी को हम लोग घोस्ट नेट कहते हैं। और ये जाकर जो वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक एनिमल है, उनको उनकी जो हैबिटेट है उनको नुकसान पहुँचा रहा है, उनके फ्लो को रोक रहा है, उनमें वो फंस जाती हैं और अंततः मर जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है। माइक्रोबीट के बारे में हमने आपको बताया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक हैं, जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रोबीट्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये कॉस्मेटिक में यूज किया जा रहा है, कॉस्मेटिक में, ठीक है। सेकंड, ये टूथपेस्ट में यूज होता है। तो अगली बार से जब भी आप किसी टूथपेस्ट को खरीदें तो आप ध्यान रखें कि उसमें माइक्रोबीट्स है कि नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, है ना। कॉस्मेटिक्स को देखें कि उसमें जो आप स्क्रब यूज करते हैं तो स्क्रब कुछ और नहीं, वो माइक्रोबीट्स हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स ही हैं। तो आप प्लीज़ इसे यूज करना बंद करें, ठीक है। सेकेंड है सेकेंडरी प्लास्टिक्स, जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक उन्हें बोलेंगे कि जो कि जो पानी के एक्शन से, जो कि यूवी रेज के कारण जो टूटती हैं, जो लार्जर प्लास्टिक से वो टूट कर स्मॉलर प्लास्टिक बन जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। और प्राइमरी का क्या बताया मैंने, कि वो मैन्युफैक्चर ही माइक्रोबीट्स के लिए की जाती हैं, जो कि आपके पेस्ट में, टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल, ठीक। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक आप उसे बोलेंगे कि आप एक बार यूज करके उसे फिर फेंक देते हैं, उसका रीयूज नहीं करते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स है, आर कॉमनली यूज फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग एंड इंक्लूड आइटम्स इंटेंडेड टू द यूज ओनली वंस बिफोर दे थ्रोन अवे और रिसाइकल्ड। सबसे ज़्यादा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। जो प्लास्टिक का यूज जो है ना, वो 1950 के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। और ये जो प्लास्टिक है वो बन किससे रहा है, वो आपके फॉसिल हाइड्रोकार्बन से ही बन रहा है। एक स्टडी कहती है यूनाइटेड नेशन की ही, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट है उन्हीं की स्टडी ये बताती है कि बाय 2050 द प्लास्टिक इंडस्ट्री में अकाउंट 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ऑयल कंजप्शन, ठीक है। तो आप जो फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल करना बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, आप प्लास्टिक के जरिए उसे और बढ़ा रहे हैं, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो यूज हो रहा है, आप यहाँ देखें, जो सबसे ज़्यादा जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ हो रहा है, तो नॉर्थ एशिया में हो रहा है 26%, है ना। नॉर्थ अमेरिका में 21% हो रहा है, मिडिल ईस्ट में 27% एंड यूरोप में ये 16%। तो एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट एशिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद कौन है, मिडिल ईस्ट है, उसके बाद है यूरोप। तो ये चार जो कॉन्टिनेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने तरह के प्लास्टिक होता है। तो जो टू मेन कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक एंड दियर सिंगल यूज एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेट्स। थर्मोप्लास्टिक उसे कहेंगे कि जिसे आप गर्म करने पर, है ना, जो गर्म करने पर वह मेल्ट हो जाए और फिर उसे जब कूल करें तो वो सॉलिड हो जाए। यानी कि अगर हम कोई मटेरियल उससे बनाते हैं तो फिर से उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल जैसे कि इथाइलीन ट्रेफलेट यानी PET, जो कि वाटर बॉटल्स, जो बोतल आप देखते हैं, जो बिस्लेरी का जो बोतल आता है वो इन्हीं चीज़ का बना होता है, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन PE, लो डेंसिटी इथाइलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पॉलीस्टरीन, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, जो पाइप्स आते हैं PVC, इनके बने होते हैं। ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। नेक्स्ट है जो थर्मोसेट्स। थर्मोसेट्स एक बार अगर बन गया उसके बाद उसके जो मतलब कि दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि हीटिंग के द्वारा वो फिर नहीं लाया जा सकता, उसमें केमिकल चेंज हो गया होता है। थर्मोसेट्स आर फैमिली ऑफ प्लास्टिक डेट अंडरगो ए केमिकल चेंज व्हेन हीटेड, क्रिएटेड ए 3-डायमेंशनल नेटवर्क आफ्टर दे आर हीटेड एंड फॉर्म्ड। दीज प्लास्टिक कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रीफॉर्म्ड। अभी जैसे आपको मैंने समझाया, तो ये दो तरह के थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स हैं। इनके जो एग्जाम्पल है थर्मोसेट्स के, वह है पॉली यूरेथिलीन, है ना,
फेनोलिक रेजिन, एपॉक्सी रेजिन, सिलिकॉन, है ना, विनाइल इस्टर, ये सब क्या है, थर्मोसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आप याद कर लें ताकि एग्जाम में कहीं अगर ऑप्शन में आए तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब इनके यूजेज क्या क्या हैं, जो थर्मोप्लास्टिक है उनका यूजेज देखें आप क्या क्या है। जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है उनका यूज क्या है, बैग्स, ट्रेज, कंटेनर, फूड पैकेजिंग फिल्म, ये इसमें काम आता है। जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है वो मिल्क बोतल, फ्रीजर बैग, शैम्पू बोतल, आइसक्रीम कंटेनर, ये सब हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो बोतल ऑफ वाटर एंड अदर ड्रिंक्स है ना, डिस्पेंसिंग कंटेनर फॉर द क्लीनिंग फ्लूड, है ना, बिस्किट ट्रेज, ये सब पीईटी यानी कि पॉलीइथाइलिन जो पीईटी जो है पॉलीइथाइलिन ट्रेफलेट उनके बने होते हैं। जो वाटर बोतल है वो पॉलीइथाइलिन ट्रेफलेट के बने होते हैं, पीईटी के बने होते हैं, ठीक है। उसी तरह से पीएस है यानी कि पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन के क्या क्या बने होते हैं, कटलेरी है, प्लेट्स है एंड कप्स है, जो कि आप बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड आप मानते हैं जिस प्लेट्स को, जो प्लास्टिक के बने होते हैं और पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन के क्या क्या बने होते हैं, हॉट ड्रिंक कप्स, इंसुलेटेड फूड पैकेजिंग, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, फ्रेजाइल आइटम्स इनके बने होते हैं। जो आप माइक्रोवेव्स इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, है ना, वो किसके बने होते हैं, वो पीपी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं, ठीक है। पीपी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं, माइक्रोवेव डिशेस, आइसक्रीम टब्स, है ना, पोटैटो चिप बैग और बोतल कैप्स, ये सब किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन के बने होते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है, ये कभी ना कभी आपके ऑप्शन में दिखाई दे देंगे, ठीक है। आप ये देखें कि हम लोग किस तरह से जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था पैकेजिंग का, उससे हम लोग प्लास्टिक पे किस तरह से आ गए। पहले हम लोग जैसे कि मिल्क और एडिबल वायल के लिए हम लोग ग्लास और मेटल यूज करते थे, आज हम लोग 3 से 4 लेयर वाला, है ना, फिल्म वाला वो पाउचेज यूज करते हैं प्लास्टिक। जितना ज़्यादा मल्टी लेयर्ड जो प्लास्टिक होगा ना, उतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उतना ही देर में ये टूटेगा, उतना ही टाइम लगाएगा ये टूटने में, डिग्रेड होने में, ठीक है। टॉयलेटरीज है जैसे कि सोप है, शैम्पूज है, ये इसे हम लोग पहले पेपर और ग्लास यूज होता था, ठीक है, इसे रखने के लिए इसमें। और अब क्या हो रहा है, प्लास्टिक पाउचेज आ रहे हैं, जो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, है ना, जिसमें हम लोग अब जो विलेजेस तक जो शैम्पू पहुंच चुके हैं, जिसमें जो पाउचेज आते हैं वो किसके बने होते हैं, आप जाइए 2 रुपया में आपको वो नवरत्न का तेल, वो छोटा पाउच मिल जाएगा, सब में आप देखते हैं वो प्लास्टिक यूज हो रहा है उनके पैकेजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं जैसे कि सीमेंट और फर्टिलाइज़र के लिए जो उनको पैकेजिंग की जाती थी वो जूट के बोरी में की जाती थी, लेकिन आजकल जूट का बोरी जो है वो दिखाई नहीं देता। जूट जो ऐसा आइटम है कि जो विकल्प बन सकता है आपके प्लास्टिक का, और ये था भी पहले, यूज भी हो रहा था, उसके लिए हम लोग क्या किस पे आ गए हैं, अब प्लास्टिक की जो बैग्स आ रही है, आप सीमेंट के जो बोरी है, जो बैग है, जो कट्टा है, वो आप देखते होंगे वो क्या है, इन्हीं का बना होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। फिर जैसे टूथपेस्ट है ना, वो पहले किस में पैकेज होता था, वो मेटल का वो आता था, आप पुराना आपके पास अगर हो कहीं पे आप देखा होगा तो, जैसे कि जो अलग अलग ब्रांड हैं वो मेटल के वो ट्यूब में आता था, लेकिन अब वो प्लास्टिक के ट्यूब में आता है। तो इस तरह से हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ पैकेजिंग है, जो मटेरियल यूज करते थे, उससे हम लोग प्लास्टिक की तरफ बढ़ चुके हैं, और प्लास्टिक एक बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। ग्लोबली आप देखें तो सबसे ज़्यादा ये सिंगल यूज प्लास्टिक, ये पैकेजिंग के 36% यूज हो रहा है। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कंट्री वाइज कि सबसे ज़्यादा कौन ये प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो सबसे जो ज़्यादा जनरेट कर रहा है वो चाइना है। चाइना रिमेन द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड जनरेटर ऑफ द प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। उसके नेक्स्ट में है चाइना, उसके बाद फिर यूएसए है, उसके बाद फिर जापान है, ठीक है, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। जो यूएसए है वो पर कैपिटा, ठीक है, आप यहाँ देखें जो पर कैपिटा जो यूज है प्लास्टिक का, वो सबसे ज़्यादा यूएस में हो रहा है, ये पर कैपिटा। और जो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है एज ए वेस्ट, वो चाइना में हो रहा है। और इस तरह से इंडिया अभी भी हम बहुत कम यूज कर रहे हैं, और हमें इस तरह से और भी इसको रिड्यूस करना चाहिए। ये जो कम यूज कर रहे हैं हम, ये हमारी अच्छी बात है, इसको और हम लोग कम करें, ठीक है।
नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो इकोनॉमी पर कैसे ये ट्रेट है, तो टूरिज्म को, क्योंकि अगर आप उस प्लेस पर जाना नहीं चाहेंगे जहाँ पर क्या है कि गंदगी हो, प्लास्टिक वेस्ट हो। लेकिन ये टूरिज्म क्या कर रहा है, ये टूरिज्म कहीं ना कहीं ये भी प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको फैला रहा है। क्योंकि हम लोग जाते हैं एज ए टूरिस्ट, कहीं माउंटेन्स पे एरिया में गए, कहीं पे बीचेस पे गए और वहाँ पर प्लास्टिक के जो बने हुए जो चीज़ें हैं, जो पैकेज है, उसको लेकर गए और वहीं पे छोड़ आते हैं। उसको वापस हम लोग फेंकते नहीं हैं, उसको वापस अपने साथ नहीं ले जाते हैं। ठीक है, फेंक कर वहीं पर चले जाते हैं। तो ये किसको थ्रेट कर रहा है, ये फिशरीज़ को। मैंने आगे बताया कि आपको ये फिशेज को नुकसान पहुँचा रहा है, तो जिससे क्या होगा कि ये जो फिश एक्वा जो इकोनॉमी है वो कम होगी, है ना, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं अगर इनको बर्न किया जाए तो। एग्रेवेशन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। तो ये जैसे फ्लड जो है, फ्लड कैसे आता है कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो निकलता ही नहीं है, तो वो किस एक प्लास्टिक भी उसका कारण है कि वो सीवेज को ब्लॉक कर देता है प्लास्टिक जाकर। तो ये जो सिटी से है ये पानी को निकलने नहीं देगा, तो ये फ्लड के रूप में ये आपको सामने आएगा। उसके बाद ये कॉन्टामिनेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज एंड फूड चेन कॉन्टामिनेशन, तो इस तरह से आपके ह्यूमन हेल्थ पर ये इम्पैक्ट कर रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है क्योंकि ये जो जितने भी जो एनिमल्स हैं उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, इससे ओशन पॉल्यूशन हो रहा है और लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये आप देखें कि किस तरह से ये प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जितने